नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विद्या स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। अब देखो, ओम का नियम आपने ट्वेल्थ में पढ़ भी रखा है और यहाँ पर अपन ज़्यादा इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर इसके जो न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उस पर अपन ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, ओम ने क्या बोला था, ओम ने बोला था कि अगर ताप, दाब और अदर जो फिजिकल जो कंडीशंस है, अगर कोई भौतिक जो कंडीशंस है वो स्थिर रहनी चाहिए, वो ज़्यादा बदलनी नहीं चाहिए, तो किसी रजिस्टर पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम ने क्या बोला था कि ताप, दाब और अदर जो फिजिकल जो कंडीशंस है वो ज़्यादा बदलनी नहीं चाहिए या स्थिर रहनी चाहिए, तो किसी रजिस्टर पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, इसके ऊपर होने वाला उत्पन्न होने वाला वोल्टेज डिफरेंस, वो इसके प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये बोला था। तो ये हो गया ओम का नियम। इतना सही है ओम का नियम, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपको समझने की जो बात है वो क्या है वो एक बार देखना यहाँ पर। अगर जब भी मैं कभी लिखता हूँ यहाँ पे V प्रोपोर्शनल I और I प्रोपोर्शनल V, तो बताओ दोनों में से सही कौन सा है, V प्रोपोर्शनल I सही है या I प्रोपोर्शनल V सही है? तो आपको इनसे ज़्यादातर बोलेंगे V प्रोपोर्शनल I। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों अपने आप में सही है, V प्रोपोर्शनल I भी सही है और I प्रोपोर्शनल V भी सही है। तो देखो, प्रोपोर्शनल साइन एक बार समझने के लिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, x प्रोपोर्शनल y, अगर मैं कभी भी लिखता हूँ x प्रोपोर्शनल y, इसका मतलब ये होता है कि x है वो y पर डिपेंड कर रहा है। x क्या हो गया, डिपेंडेंट, और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। x क्या हो गया, डिपेंडेंट, और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो अपन क्या बनाते हैं, ये x हो गया और ये y, इंडिपेंडेंट को अपन बनाते हैं x एक्सिस पे और डिपेंडेंट को बनाते हैं y एक्सिस पे। अगर जब कभी भी अगर मैं लिखता हूँ y प्रोपोर्शनल x, इसका मतलब हो गया y x पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डिपेंडेंट होगा उसको x एक्सिस y पे बनाएंगे और इंडिपेंडेंट होगा उसको, ये x क्या है यहाँ पे, स्वतंत्र है और y डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उसका उस हिसाब से ग्राफ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको? तो अब देखो, अगर मैं लिखता हूँ v प्रोपोर्शनल i, इसका मतलब क्या है, ये v है वो i पे डिपेंड कर रहा है। और जब मैं कभी लिखता हूँ I प्रोपोर्शनल V, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि I है वो V पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ले लिया V और यहाँ पे मैंने लिया I, तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जो I करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो I जो करंट है वो इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। तो चलो मैं इसको एक बार एक वैल्यू लेके समझा देता हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट है और ये, तो ये जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये 10 वोल्ट पे। तो आई बताओ कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा V अपॉन R, V कितना है 10, R कितना है 5, कितना हो गया 2 एम्पियर। अगर मैं V बढ़ा देता हूँ, मैं अगर 20 वोल्ट कर देता हूँ तो धारा कितनी हो जाएगी, 20 बटा 5 कितनी हो गई, 4 एम्पियर। अगर मैं यहाँ पर 30 वोल्ट कर देता हूँ वोल्टेज को, तो धारा कितनी हो जाएगी, 30 बटा 5 6 एम्पियर। समझ में आ रहा है ना आपको कि ये वाली धारा किस पे डिपेंड कर रही है, ये वाली धारा डिपेंड कर रही है इस वाले वोल्टेज पे। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पे I प्रोपोर्शनल V। अब देखो एक बार, ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि यहां पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा किसी भी रजिस्टर पर, विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे,
आई पे, तो देखो एक बार, और वोल्टेज डिफरेंस होता कितना है, आई आर, ये अपने को पता है वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, आई आर। तो देखो एक बार वी डैश अभी जो कितना है, अगर करंट 2 एम्पियर बहेगी तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अगर I बराबर 2 एम्पियर, अगर धारा 4 एम्पियर बहेगी तो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। अगर धारा 6 एम्पियर बहेगी तो कितना हो जाएगा, V डैश 30 वोल्ट। तो समझ में आ गया, तो ये V डैश किस पे डिपेंड कर रहा है, ये V डैश डिपेंड कर रहा है I पे, इसमें धारा बहने वाली धारा पे। तो ओम ने तो यही बताया था, ओम ने क्या बताया था, यहाँ पे जो V डैश है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस धारा पे। और ये बैटरी क्या बता रही है कि यहाँ पे जो निकलने वाला करंट किस पे डिपेंड करेगा, बैटरी पे। तो ये दोनों बातें सही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं V डैश प्रोपोर्शनल आई। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये जो किसके लिए सही है, ये जो सही है प्रतिरोध के लिए, या प्रतिरोध पे जो विभवांतर उत्पन्न। और ये जो किसके लिए सही है, ये सही है बैटरी के लिए। तो दोनों बातें सही है। तो चलो अपन वापस आ जाते हैं ओम के नियम में, ताकि एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि V प्रोपोर्शनल I क्या है और I प्रोपोर्शनल V क्या है। तो ओम ने क्या बताया था कि यहाँ पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर किस पे हो जाएगा, I के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसके अंदर बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। और समानुपाती का जब भी अपन साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, स्थिरांक। और वो स्थिरांक क्या है यहाँ पे, इस स्थिरांक को अपन बोल देते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है, धारा के प्रवाह में बाधा, ऑब्स्टेकल, एक रुकावट है प्रतिरोध, इतनी सी बात है यहाँ पर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। मात्रक क्या हो जाता है, ओम, ओम ने बताया था इसलिए मात्रक क्या बता दिया इसका, ओम दे दिया, ओम ने अपने नाम के ऊपर इसका मात्रक दे दिया। तो इतनी सी बात है ये प्रतिरोध का। अब मेरे को एक बात बताओ, ये R क्या डिफाइन कर रहा है, क्या शो कर रहा है ये वाला R? तो अपने को बताया कांस्टेंट क्या शो करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि x प्रोपोर्शनल y, तो कांस्टेंट हटाऊंगा तो x बराबर के y। तो ये k क्या शो कर रहा है, k क्या बता रहा है, k ये बता रहा है, देखो एक बार, x y पे डिपेंड कर रहा है ना, x प्रोपोर्शनल y क्या है कि x y पे डिपेंड कर रहा है, k ये बता रहा है कि x y पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन k ये बता रहा है कि x y पर कितना डिपेंड कर रहा है, x y पर कितना डिपेंड कर रहा है। अगर k की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये डिपेंडेंसी बता रहा है, अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूं तो ये, अगर k की वैल्यू 2 ले लूं तो ये, तो देखो एक बार अलग अलग आएगा ना। तो कांस्टेंट क्या बताता है कि जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो R क्या बताएगा कि ये वोल्टेज डिफरेंस है या ये वोल्टेज है वो I पर कैसे डिपेंड कर रहा है, कितना डिपेंड कर रहा है। जितना R का मान ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिपेंड करेगा या ज़्यादा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गया ओम का नियम। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं कि जो रजिस्टर होता है, जो किसी वायर में जो रेजिस्टर होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो वायर के किन किन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे किस तरह से डिपेंड करता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और उस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो प्रतिरोध R, अभी R प्रतिरोध होता है, जैसे अपन ने एक कोई वायर ले लिया L लेंथ का, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट, देखो अगर मैं इसको मैग्नीफाइंग करूंगा, इसको मैं अगर थोड़ा मैग्नीफाई करके बताता हूं, तो ये वायर इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये वायर होता है। तो ये क्या हो गया, जैसे ये मार्कर देखो, ये मार्कर जैसा मान लो एक बार वायर है, तो मैं अगर इसको इस तरह से काटता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से वर्टिकली काटता हूँ, तो ये जो आपको शेप दिख रहा है ये क्या है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्या है ये इसका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो
ये जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो वायर के लेंथ के समानुपाती होता है। लेंथ जितनी ज़्यादा कर देंगे रेजिस्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसको इस तरह समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जा रहा है यहाँ पे, ये व्यक्ति जा रहा है, इसको ये मान लो कि ये, इसको करंट मान लो आप इसके अंदर से, और ये क्या है, ये इसका रेजिस्टर है। अब मान लो कि अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं वायर की, तो ये करंट क्या होगा, इसको रुकावट ज्यादा मिलेगी ना, अगर लेंथ बढ़ा दी रुकावट ज्यादा मिलेगी, रुकावट ज्यादा मिलेगी तो मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध ज्यादा हो गया। इसको इस तरह से समझना। तो ये जो रुकावट है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, वो लेंथ के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन इसको एरिया बढ़ा दिया, अपन ने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा, अभी एक ही व्यक्ति जा रहा है, अब दो व्यक्ति आराम से जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसको इस तरह से समझना, पहले करंट आई जा रही थी और अब जो करंट कितनी जा सकती है, 2i, तो करंट आराम से जा रही है, पहले करंट कम जा रही थी, अब जो करंट ज्यादा जा रही है, करंट ज्यादा जा रही है मतलब क्या हो गया, रेजिस्टर कम हो गया, तो एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। इस तरह से इसको समझना, लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टर बढ़ गया। अब इन दोनों को जब अपन कंबाइंड करके लिखते हैं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि रेजिस्टर होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R प्रोपोर्शनल L बाई A। जब भी समानुपाती साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या लगाते हैं, स्थिरांक। तो यहां मैंने एक स्थिरांक लगा दिया रो L बाई A। तो रो क्या है यहां पर, रो यहां पर है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, अगर अपन हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। देखो सबसे पहली बात क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता एक पदार्थ का गुण होती है। यह क्या होती है, सबसे पहली बात यह क्या है, पहली बात है ये एक पदार्थ का गुण है। ये विशिष्ट प्रतिरोधकता ये बताती है कि जो भी कोई पदार्थ है वो कितना रेजिस्टिव है, कितना रेजिस्टिव नेचर में है। एक तो मान लो कि आपने दो वायर लिया, अपन ने एक तो ले लिया हमने गोल्ड का वायर और एक हमने ले लिया कॉपर का वायर ले लिया, दो वायर लिया गोल्ड का और कॉपर का। तो रेजिस्टिव नेचर किसका है, कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है और गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होता है। तो अपन रेजिस्टेंस वैसे नहीं बता सकते, अपन इसको ये बता देंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी गोल्ड की कम होती है और कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो वायर लेंगे तो किसका लेंगे, गोल्ड का लेंगे या कॉपर का लेंगे, गोल्ड का लेना चाहिए ना, रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टर कम है, क्यों नहीं लेते गोल्ड का, करंट बहेगी नहीं, ले जाएंगे लोग बीच में से ही, है ना, अगर कोई वायर लगा दिया गोल्ड का तो लोग बीच में से काट के ले जाएंगे, तो करंट वैसे ही नहीं आएगी आपके पास, बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से गोल्ड नहीं बीच में लेते। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपको समझ में। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आजकल तो LDC में भी आ रहे हैं क्वेश्चन ये आते हैं कि किसी वायर की लेंथ बढ़ाने से स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है। इसमें कंफ्यूज कैसे होते हो फॉर्मूले से, फॉर्मूले में से मतलब कैसे कंफ्यूज होते हो, देखो एक बार आपको क्या दिख रहा है, आर बराबर रो एल बाई ए, तो आपने क्या कर दिया, रो आर ए बाई एल, ये आपने फॉर्मूला निकाल दिया और आपको क्या लग रहा है, लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि ये ए बाई एल का रेशो कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ बढ़ाओ चाहे एरिया बढ़ाओ,
एक वायर ले लिया, उसकी लेंथ बढ़ाओ चाहे एरिया बढ़ाओ, स्पेसिफिक रेजिस्टिव, हाँ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ये आर चेंज हो जाता है, आर बदलेगा, रो कभी नहीं बदलेगा। रो कब बदलेगा? जब अपन मटेरियल बदल देंगे, जब अपन मटेरियल अगर अपन दूसरा लेके आ गए, सोने की जगह अगर अपन कॉपर लेके आ गए तो चेंज हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पदार्थ पे निर्भर करती है, न कि उसकी लंबाई और चौड़ाई पे। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये एक बार नोट कर लो आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी मैंने क्या बताया, R प्रोपोर्शनल L बाई ए और R बराबर रो L बाई ए, ये बताया मैंने। या इसको ऐसे भी लिख दो, रो R प्रोपोर्शनल L बाई ए। अब मैं इसमें अलग अलग केस लेता हूँ। अब देखो केस फर्स्ट, ये अलग अलग केस है, वो अपने आप में न्यूमेरिकल है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पहला केस मैंने क्या लिया कि कोई वायर है, ये इसकी लेंथ और ये इसका एरिया हो गया। मैंने एरिया को तो कांस्टेंट कर दिया, एरिया मैंने नहीं चेंज किया, और मैंने लंबाई को क्या कर दिया, दो गुणा कर दिया। लंबाई को तो मैंने दो गुणा कर दिया और एरिया को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो एक बार R, अब देखो यहाँ पर अगर मैं रो की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, समझने के हिसाब से रो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, और या वैसे वैसे देख लो एक बार इसको, R रो L क्या कर दिया मैंने 2L और A मैंने चेंज नहीं किया, तो R डेस क्या हो जाएगा 2 रो L बाई A, तो ये क्या हो गया 2R, तो R डेस क्या हो गया अपने पास 2R। तो रेजिस्टेंस को डबल करने से, इसको सॉरी लेंथ को डबल करने से रेजिस्टर क्या हो गया, प्रतिरोध क्या हो गया, डबल हो गया। केस सेकंड लेता हूं एक बार देखना, मैंने क्या किया, इस लेंथ को बढ़ा दिया, नहीं इसको लेंथ को कांस्टेंट रखा मैंने, मैंने क्या किया लेंथ को कांस्टेंट रखा और एरिया को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। एरिया को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। तो फॉर्मूले में देखो एक बार, R डैश बराबर रो L 2A, तो इसको एज इट इज लिखो एक बार, तो R डैश 1 बाई 2 रो L बाई A, तो क्या हो जाएगा R डैश बराबर R बाई 2। तो इन दोनों कंडीशन से क्या पता लग रहा है, अगर लेंथ को कांस्टेंट रख के अगर एरिया को डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यहां पर अगर एरिया को कांस्टेंट रख के अगर लेंथ को डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपको, ये दो केस लिए अपन ने। अब अपन तीसरा केस लेते हैं, चलो तीसरा केस अपन यही ले लेते हैं एक बार, ये साथ साथ नोट्स भी बना जो बना सकते हो आप इसमें। मैंने क्या किया, लेंथ को तो मैंने डबल कर दिया और एरिया को भी मैंने डबल कर दिया, लेंथ को और एरिया को दोनों को डबल कर दिया, तो क्या होगा रेजिस्टर में, प्रतिरोध में, तो रो 2L बाई 2A। तो देखो एक बार 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया R बराबर रो L बाई A, तो R बराबर R डैश बराबर R, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेंथ को डबल किया और एरिया को भी डबल कर दिया, तो रजिस्टर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अभी आपके पास तीन केस लिए हैं यहाँ पर, अभी मैं चौथा केस भी लूँगा, पाँचवा भी लूँगा, छठा भी लूँगा, जिसपे क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको कहता ना कि वार्म अप करवा रहा हूँ अभी आपको मैं, अभी ये आप थोड़ा आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ ये हो कैसे रहा है, फिर अपन इसमें क्वेश्चंस लेंगे, परसेंटेज में चेंज करवाएंगे अभी तो अपन, तो वीडियो के साथ बने रहे। अब नेक्स्ट केस लेते हैं अपन,
केस फोर्थ, केस फोर्थ देखना, यदि लंबाई को मैंने 20% बढ़ा दिया, लंबाई को कितना बढ़ाया मैंने 20%, और एरिया को क्या रखा मैंने कांस्टेंट, तो रजिस्टर क्या होगा, ध्यान रखना उसी प्रतिशत से बढ़ जाएगा, क्या आर क्या हो जाएगा, देखो आर प्रोपोर्शनल एल और आर प्रोपोर्शनल 1/a। अभी आप इसको शॉर्ट में देखो थोड़ा, अब आप ज्यादा फॉर्मूला मत लगाओ, अब आप शॉर्ट में देखो, अगर मैंने लेंथ को 20%, देखो लेंथ को मैंने डबल किया तो आर कितना हो गया डबल हो गया, ए को कांस्टेंट रखा है मैंने, लेंथ को आधा किया तो आर भी आधा हो गया, लेंथ को चार गुणा किया तो आर भी चार गुणा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा तो ये भी कितना बढ़ जाएगा 20%। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, अब देखो एक बार, एरिया को आधा, एरिया को डबल किया तो ये आधा हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको, इसको मैंने आधा किया तो ये जो डबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 20 एरिया को अगर 20% बढ़ाऊंगा तो ये 20% कम हो जाएगा, ये बात समझना है एक बार आपको, तो यहाँ पे ये बात समझना कि केस फोर्थ क्या है, यदि एल को 20% बढ़ाया और ए को क्या रखा मैंने कांस्टेंट रखा, तो रजिस्टर क्या हो जाएगा, रजिस्टर खुद भी 20% बढ़ जाएगा, केस फोर्थ ही है। केस फिफ्थ लेते हैं एक बार, ये केस ले रहा हूं, ये अपने आप में क्वेश्चन से ध्यान रखना, न्यूमेरिकल अपने आप में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, यदि L कांस्टेंट है और A को मैंने 30% बढ़ा दिया, तो देखो R प्रोपोर्शनल 1/a, अगर A बढ़ाऊंगा तो R क्या होगा कम होगा, तो क्या हो जाएगा R 30% कम हो जाएगा, देखो यहाँ पे कांस्टेंट रख रखा है, एक टर्म को मैंने क्या रखा है कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखना, तो मैंने आपको 5 केस दिए, अब लास्ट केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है छठा केस, छठे केस में अपन क्या करेंगे, एल को भी बढ़ा देंगे, एल को भी चेंज करेंगे और आर को भी चेंज करेंगे, तब क्या फर्क आता है वो अपन एक बार देखते हैं, लिखते रहो साथ में नोट्स भी बनाते रहो इनके, केस लेते हैं अपन इसमें छठा, यदि एल को 20 यहां पे ले लेते हैं एक बार, एल को 10% बढ़ाया और ए को 10% कम किया, केस क्या लिया मैंने, एक वायर की लेंथ को कितना बढ़ाया मैंने 10%, एरिया को कितना बढ़ाया, एरिया को कम किया 10%, अब मेरे को एक बात बताओ रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा घटेगा, इसमें रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा, क्वेश्चन आपका है ये, लैंग्वेज बोल देता हूँ एक बार, लिखते रहो साथ में, यदि किसी तार की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 10% कम कर दिया जाता है, तो उस तो तार के प्रतिरोध में क्या प्रतिशत बदलाव आएगा, कितना प्रतिशत या परसेंटेज चेंज आएगा, तो चलो मैन्युअली करते हैं अपन इसको एक बार, लेंथ बढ़ाया तो रजिस्टर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, अभी अपन ने किया कितना परसेंट, जितना परसेंट बढ़ाया 10, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 10% बढ़ गया, एरिया कम करूंगा, देखो एक बार एरिया कम करूंगा तो रजिस्टर क्या हो जाएगा, कम करता हूं अगर एरिया कम करूंगा तो रजिस्टर बढ़ जाएगा, दोनों केस में बढ़ गया 10 और 10, टोटल कितना हो गया 20%, लेकिन गलत है ये नहीं होगा, 20% चेंज नहीं होगा, अभी यहाँ पे ज्यादातर अपन क्या करते हैं 10% और 10 पे और जोड़ देते हैं, कितना लिख देते हैं 20% और राजी हो लेते हैं कि हाँ हो गया अपना आंसर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, आपके ऑप्शन ए में रहेगा 20%, आप टिक भी करोगे लेकिन 20% आंसर नहीं होगा,
हालांकि 10% और 10% बढ़ रहा है इसमें दोनों की वजह से, तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर 2% चेंज लगातार होते हैं, सक्सेसफुली होते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई आयत है, ये एल है और ये बी है, आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया और इसकी चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया, तो इसके एरिया में कितना फर्क हुआ? तो एरिया क्या है, L इंटू बी, तो देखो लगातार चेंज हो रहा है ना बी एल और बी में, तो क्या होगा इसको अपन टोटल चेंज कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इसको x मान लो, इसको y मान लो, अगर दोनों बढ़ रहे हैं इसलिए प्लस हो जाएगा, घटेगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस एक्स वाई बटा 100, तो x कितना है 10, y कितना है 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, तो कितना हो गया ये 20 और ये कितना हो गया 1, कितना हो गया 21%। तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर भी कैसे निकालेंगे अपन, रजिस्टर कितना बड़ा 10, यहाँ पे भी कितना बड़ा 10, अगर ये घटता तो क्या ले लेते हैं नेगेटिव, प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, तो कितना हो गया 21% रजिस्टर बढ़ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, इसको आप केस ही मान लो एक बार, है ना, ताकि आपको अलग अलग जब नोट्स बनाओगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि यहाँ इतने इतने तरह के केस आपके बन सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट केस देखते हैं इसमें। अब देखो केस अपन ने ये देखा इसमें कि लंबाई को तो अपन ने क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया, और इसको एरिया को क्या कर दिया अपन ने, एरिया को अपन ने 10% बढ़ा दिया, दोनों को बढ़ा दिया अपन ने। लैंग्वेज बोल रहा हूं लिख लेना, यदि किसी तार की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी 10% बढ़ाया जाता है तो तार के प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिशत प्रभाव आएगा, क्या प्रतिशत चेंज आएगा? तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा जितना प्रतिशत बढ़ाऊंगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो रजिस्टर कम होगा, कितना कम होगा उसी प्रतिशत से, तो 10% कम हो गया, समझ में आ गया। टोटल प्रतिशत चेंज क्या आएगा, तो देख लो इसको x मान लो, इसको y मान लो, x बराबर क्या हो गया 10 और y बराबर -10, क्योंकि घट रहा है, मैंने क्या बोला बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, तो क्या हो गया ये। अब देखो एक बार वापस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो लगा दो फॉर्मूला 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 बटा 100, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया अपने पास -1%। देखो ये आ गया लास्ट अपना -1%, तो रजिस्ट्रेशन में कितना प्रभाव पड़ेगा 1% का, घटेगा बढ़ेगा, तो माइनस साइन क्या बता रहा है घटेगा, रजिस्टर क्या हो जाएगा घटेगा। तो देखो बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल की तरह आपको मैंने सारे केस बताए हैं, ओम का नियम बताया है, ओम का नियम वी प्रोपोर्शनल आई, आई प्रोपोर्शनल वी, उसके बाद में रजिस्टर क्या होता है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या होती है, और कितने तरह के मैक्सिमम पॉसिबल केस आपके इस रजिस्टर से आ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे प्रतिरोधों का संयोजन।